आज हमारे साथ वो शख्स है जो तेजस्वी यादव के मंच पे अचानक दिखी थी और चर्चा हो रही थी कि हिना साहब की जगह इन्हें प्रोजेक्ट किया गया, साइका नाज। डॉक्टर साइका नाज हैं, डॉक्टर अशरफ अली की पत्नी है जो विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। क्या लग रहा है अब औध बिहारी चौधरी आरजेडी का सिंबल लेकर के आ गए हैं, लड़ाई किस तरह की आप लोग मान रही हैं? जी, सबसे पहले मैं आप मीडियागर और आपके तहत जितने लोग मुझे सुन रहे हैं मैं सबको सलाम और प्रणाम करती हूँ। और हम लोगों को सिंबल मिल गया है, ये हम लोग के लिए ताकत की बात है। हम लोग पहले ही आरजेडी से हैं तो ये बहुत बड़ी ताकत है, और सिंबल मिल जाने के लिए तो हम लोग बहुत खुश हैं और हम लोगों को बहुत बड़ी मजबूती मिली है। क्या लग रहा है डॉक्टर साइका जी, कहा जा जैसे कि चर्चा हो रही है कि जो माइनॉरिटी समाज है वो हिना साहब के साथ चला जाएगा, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि आप लोग आरजेडी के लिए, औध बिहारी चौधरी के लिए आप लोग लगे हुए। जी, ये सब जनता ही तय करेगी, क्योंकि औध बिहारी चौधरी जी ने ना किसी का कुछ बिगाड़ा है और ना ही किसी का संपत्ति लूटा है। उन्होंने सबके लिए नेकी का काम किया है, सभी जनता उनके साथ है और हम लोग की जीत पक्की है। आज कई जगहों पे स्वागत भी हुआ इनका। जी, स्वागत हुआ, जो लोग भी इनका स्वागत किए हैं उन सबको मैं धन्यवाद बोलती हूँ, और मैं बोलती हूँ कि ऐसे ही अपना प्रेम भाव बनाए रखें और इंडिया महागठबंधन को मजबूत करें। किस तरीके की देखती है, क्योंकि तीन चार अब उम्मीदवार सामने आ चुके हैं, हिना साहब हैं, विजय लक्ष्मी कुशवाहा हैं और एक जीवन यादव भी आ चुके हैं। जी, लड़ाई किसी से नहीं है, वो जनता तय करेगी, जिसको जो पसंद आएगा उसको वो यहाँ से निकाल करके भेजेगी दिल्ली। तो बिल्कुल आपने देखा कि ये साइका नाज थी जो डॉक्टर अशरफ अली की पत्नी है। इनका सीधे तौर पर कहना है कि बिल्कुल एक साफ सुथरे छवि के व्यक्ति हैं औध बिहारी चौधरी, जिन पर किसी तरह का कोई दाग नहीं है, तो इसलिए जनता इनके साथ है। औध बिहारी चौधरी से भी बात करेंगे कि सिंबल लेकर के लौटे हैं तो उनका क्या कुछ कहना है। हमारे सहयोगी प्रभात के साथ चंदन कुमार, एटीएन लाइव, सिवान।